मातंगिनी हाजरा एक असाधारण महिला और एक भारतीय क्रांतिकारी थी जो ब्रिटिश शासन से देश की आजादी के लिए समर्पित थी। महात्मा की तरह उनके कमजोर शरीर ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रेरक शक्ति होने से नहीं रोका और वह गांधी जी के विश्वासों से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने गांधी बुरी बूढ़ी गांधीवादी महिला नाम अर्जित किया। मातंगिनी हाजरा के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है सिवाय इसके कि उनका जन्म 1869 में तमलुक वर्तमान पश्चिम बंगाल राज्य में के पास होगला गांव में हुआ था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं की क्योंकि वह एक गरीब किसान की बेटी थी। उसकी शादी कम उम्र में कर दी गई थी लेकिन 18 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी। वह फिर अपने गांव लौट आई और अपना समय और ऊर्जा अपने समुदाय के लोगों की मदद करने में लगा दी। 1900 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रवादी आंदोलन ने पूरे उपमहाद्वीप में गति पकड़नी शुरू कर दी क्योंकि गांधी जी खुद पूरे क्षेत्र में घूमे, जागरूकता बढ़ाई और देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1905 में मिदनापुर का गांधी बड़ी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र से मुक्ति संग्राम में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। हाजरा को स्वतंत्रता के एक भावुक समर्थक के रूप में वर्णित किया गया है। 1933 की एक घटना में जहां एक दोपहर भीषण गर्मी में हाजरा एक स्वतंत्रता मार्च का हिस्सा था जो कि जिला राजधानी में आयोजित किया गया था। इसकी मंजिल राज्यपाल का महल था जो खुद अपनी बालकनी पर खड़े होकर मार्च को निष्पक्ष रूप से देख रहे थे जैसे कि यह कोई क्रिकेट मैच या कोई देशी अनुष्ठान चल रहा हो। मातंगिनी ने परेड के मोहरा में स्वतंत्रता ध्वज को ऊंचा रखते हुए मार्च किया। जैसे ही वे गवर्नर की बालकनी के करीब पहुंचे, उसने अचानक घेरा तोड़ दिया सैनिकों से बचकर और अपना बैनर लहराते हुए चिल्लाया, गो बैक लाट साहिब। इस साहसिक कार्य के लिए हाजरा को ब्रिटिश पुलिस ने पीटा और गंभीर रूप से घायल हो गए। उसकी निडरता और उत्साही कार्रवाई सबसे आगे थी जब 29 सितंबर 1942 को 73 वर्षीय हाजरा ने ब्रिटिश अधिकारियों से तमलुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के लिए लगभग 6000 प्रदर्शनकारियों जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी के एक बड़े जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश की और हाजरा के बाद हुई तबाही के बीच पुलिस बल से प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से बचने की अपील की। उसकी दलीलें नहीं सुनी गईं और उसे 3 बार बेशर्मी से गोली मारी गई। वह तब तक चलती रही जब तक कि वह गिर नहीं गई और मर गई। हाजरा की शहादत व्यर्थ नहीं गई। देश की आज़ादी में उनके योगदान जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया को भुलाया नहीं जा सका है। वह 1977 में कोलकाता मैदान में अपनी प्रतिमा लगाने वाली पहली महिला क्रांतिकारी थी। श्रद्धांजलि के रूप में कोलकाता में हाजरा रोड नामक एक महत्वपूर्ण खंड सहित कई स्कूलों पड़ोस और सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। मातंगिनी हाजरा एक विनम्र पृष्ठभूमि की उन महिलाओं में से एक थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपने पैरों के निशान छोड़े हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।